आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। शहर में खुले नाले हादसों को दावत दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकारियों का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ऐसा ही मामला जगदीशपुरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 आजाद नगर में देखने को मिला है, जहां कई सालों से खुले नालों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। शहर में जहां खुले नाले होने के चलते लोग आए दिन हादसों का शिकार होते जा रहे हैं और अपनी जिंदगी से भी हाथ धो रहे हैं, उसके बावजूद भी संबंधित अधिकारियों की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही। ऐसा ही मामला थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के वार्ड नंबर 6 आजाद नगर में देखने को मिला, जहां कई सालों से खुले नालों की समस्या का समाधान होने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में खुले नालों की वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। क्षेत्रीय पार्षद मछला देवी का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ जो समस्या देखने को मिल रही है नाले के बारे में, और पूरी 3 साल हो गई मुझे कहते कहते, कोई सुनाई ही नहीं होती है। और पास में मेरा मकान है, जनता मुझे बहुत नोच के खाती है इस समय। और देखो नाला पूरा भरा पड़ा है, और जो सेंडरी है कोई उठाता ही नहीं है कहते हैं। तो ऐसी क्या वजह है जो काम नहीं हो पा रहा? कोई सुनाई ही नहीं करते हैं जय साहब। कितने सालों से ये समस्या? पूरी 3 साल हो चली धीरे धीरे। खुले नालों की वजह से लोग दहशत में रहने को मजबूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित अधिकारियों की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में शहर में तमाम नाले हैं जिनकी बाउंड्री वॉल ना होने के चलते लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। क्षेत्रीय निवासी राजकुमार का कहना है कि कई बार अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद भी नालों के किनारों की सड़कें नहीं बनी है, जिसके चलते नाले से रोज मलबा बाहर निकलता है और वह कई महीनों तक ऐसे ही खुले में पड़ा रहता है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा मंडराता रहता है। वो कागजों में सफाई हुई है, पर जमीन स्तर पर कोई सफाई नहीं हुई। अगर जमीन स्तर पर सफाई होती तो ये छोटी छोटी जो मलिंग लोग हैं उनकी बस्तियों में गंदगी भी नहीं होती। और जो अभी पिछले कुछ दिन पहले पानी पड़ा है, और पानी इतनी जोर से भी पानी नहीं पड़ा है और सबके घरों में पानी भर गया। और देख रहे होंगे कि जैसे कि अभी अपने विधायक हैं जो परसोत्तम कंडेलवाल जी, दयालबाग में वहाँ पानी भी भर गया था, तो वो भी गए थे, अभी थोड़ा सा ही पानी पड़ा था। हालांकि शहर में कई जगह ऐसी लापरवाही का आलम देखने को मिल जाता है। आलम यह है कि नाले के आसपास भी कूड़े का ढेर देखा जा सकता है, जो कि कई दिनों तक खुले में ही पड़ा रहता है। ऐसे में कोरोना महामारी जैसी बीमारी से तो लोग जूझ ही रहे हैं, लेकिन सड़कों पर पड़ी गंदगी से क्षेत्रीय लोगों को संक्रमण फैलने का खतरा मंडराता रहता है। ऐसे में पूर्व में भी मासूम बच्ची की नाले में बह जाने की दुखद घटना होने के बावजूद भी अधिकारियों को अगले हादसे का इंतजार रहता है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो नाले की दीवार है, इसे 1.5 साल से ऊपर हो गया गिरे हुए, और जो हमारे पार्षद भाई हैं वो 3 साल से इसके लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं, पर इसके लिए कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। कभी बच्चे गिर जाते हैं, कभी बाइक वाले आते हैं तो वो गिर जाते हैं, यहाँ से सामान निकालते हैं तो गिर जाते हैं। और सिल्ट वगैरह तो पड़ी है तो वो तो ठीक है, वो तो उसकी कोई सुनवाई होनी नहीं है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो आपकी दीवार है वो, उसके लिए कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मैं मेल डाल चुका हूँ, एप्लीकेशंस दे चुका हूँ, लेकिन उसके लिए कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। शहर में ऐसी तमाम जगह है जहां नालों के किनारे संबंधित अधिकारियों द्वारा ना तो बैरिकेडिंग लगाई गई है और ना ही चेतावनी बोर्ड। ऐसे में बरसात के दिनों में यहां नाला सड़क के बराबर बहने लगता है, जिसके चलते शहर में खुले नालों पर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। ऐसे में अधिकारियों की लापरवाही के चलते पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं। लंगड़े की चौकी खुले नाले होने की वजह से मासूम बच्चे की जान चली गई थी। ऐसा ही मामला हाल ही में थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के नई मस्जिद स्थित नाले में युवक की गिरने से मौत हो गई थी। शहर में नाले में गिरने से कई हादसे हो जाने के बावजूद भी अधिकारियों की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही है, और अधिकारी अगले हादसे का इंतजार कर रहे हैं। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।